हेलो हाय एंड वेलकम टू मीनू के। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट येट बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी। सिंपल इसलिए क्योंकि हम बनाने वाले हैं शाही आलू। अब सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगेगा कि आलू और शाही, ये क्यों नहीं। क्योंकि आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो हम उसको बहुत ही बेसिक सब्ज़ी में मानते हैं, पर कभी कभी कुछ सब्जियां आप उसमें थोड़े से वेरिएशंस अगर लाएं तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो आलू बनाने के लिए या शाही आलू, मसाला आलू बनाने के लिए आप इसका कुछ भी नाम दे जाए, स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने बहुत पतला, वेफर स्टाइल नहीं बट थोड़ा सा मोटा जैसे आप देख सकते हैं, काटा है। इसको पानी में ज़रूर रखिएगा, नहीं तो आलू बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। इनको हम हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे और फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो मसालों में हमारे पास में है नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी, गरम मसाला 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला मैंने बता दिया, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, सब्ज़ी मसाला 1/4 चम्मच, और ये स्पेशल मसाला है, आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो ये लगभग 1 चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। सूखे मसालों में हम इस्तेमाल करेंगे 1 सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, सिनेमन स्टिक बड़ी और छोटी इलायची स्वाद के लिए, 1 roughly chopped प्याज, आम की केरी, ये घर की आम है तो इसलिए मैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर ना अच्छा लगे अपनी सब्ज़ी में तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। सब्ज़ी में हम डालेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम और केसर, केसर से ही वो रॉयल लुक आएगी आपकी रेसिपी में। और इसको हम पानी से नहीं, छाछ के साथ बनाएंगे। आप चाहे तो पानी, दही, छाछ कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हमारा शाही आलू मसाला सब्ज़ी। आलू हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है, तो दोनों साइड से कुरकुरे ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। पहला बैच ये है और दूसरा बैच फिर हम तैयार करेंगे। आलू हमने फ्राई कर दिए हैं, अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस ग्रेवी बनाने का हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सूखे मसाले उसी तेल में जिसमें हमने आलू को फ्राई किया है हम ऐड कर देंगे। हल्का सा सौते करके, तेल का कंसिस्टेंसी आप देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये एक रॉयल डिश बन रही है, तो थोड़ा सा ऑयल का कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, पर अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप अपने हिसाब से तेल को बढ़ा या घटा सकते हैं। आप इसको बटर में या रिफाइंड ऑयल में या घी, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज के हिसाब में थोड़ा सा हींग मैं डालूँगी तो फ्लेवर के लिए। तो प्याज और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ में मैंने शाही जीरा भी ऐड किया है लगभग 1 चम्मच। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा प्याज बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट हो जाए और एक बहुत ही सुंदर सी महक आने लगे। आप चाहें तो इसमें एक बारीक कटा टमाटर भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से भून गया है, अब इसमें हमारे सूखे मसाले हम ऐड करेंगे, और मसालों के साथ ही मैं डाल रही हूँ छाछ। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो मीडियम आंच पे हम ग्रेवी को पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए, बिना इसमें आलू ऐड करे हुए। जब ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी फिर इसमें हम क्रीम और आलू ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करते वक्त आप गैस को ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो क्रीम के कारण आपकी ग्रेवी फट सकती है। ग्रेवी डालने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, आप पानी डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, छाछ डाल रहे हैं,
क्योंकि आलू जब आप डालेंगे तो आलू हमेशा थोड़ा सा ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपकी जो ग्रेवी या आपकी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी थिक बनना शुरू हो जाएगी, और क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा रोक कर खाएंगे तो वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो खाने में आपको इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा आमतौर सब्ज़ी बनाने से। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है। अभी इसको हम थोड़ा और पकाते हैं और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं थिक भी हो गई है थोड़ी सी ग्रेवी। अब इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे और इमीडिएटली इसको हम मिक्स कर देते हैं और गैस को फिर ऑन करके इसको हम 5 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देते हैं। तो ग्रेवी बिल्कुल तैयार है और अब इसमें हमारे आलू जाएंगे, क्योंकि आलू हमारे 60% ऑलरेडी कुक्ड हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको हमारी रेसिपी तैयार करने में। आलू हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसमें हम केवड़ा और दूध डालेंगे। इससे जो फ्लेवर हमारी डिश में आएगा उसका तो जवाब ही नहीं है। और बस इसको अब हम पकाने के लिए रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक हमारी मसाला रॉयल मसाला आलू मसाला तैयार हो जाए। तो फूडीज़, तैयार है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही रॉयल सी लुकिंग आलू मसाला, शाही आलू मसाला। इसको मैंने गार्निश किया है क्रीम के साथ में, आप हरे पत्ते धनिया के भी डाल सकते हैं। इसको आप रोटी नान फुलका किसी के साथ लें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चावल के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। अब देखा आपने, बेचारा छोटा सा आलू वो भी एक रॉयल डिश बन सकती है। तो ज़रूर इसको आप एक बार ट्राई करें और अपने वैल्यूबल फीडबैक्स मीनू के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।